वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मार्जिनल यूडीडी. हम टोटल यूडीडी जानते हैं, मार्जिनल यूडीडी जानते हैं, हम इनके बीच की रिलेशनशिप भी जानते हैं. एंड एक चीज हमने ऑब्जर्व करी है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं, मार्जिनल यूडीडी कम होती जा रही है. राइट. इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इस तरह की ऑब्जर्वेशन से लॉज बन जाते हैं. समझना, एनीथिंग विच रिपीट इटसेल्फ ओवर अ नंबर ऑफ टाइम्स इन नंबर ऑफ सिचुएशंस, इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस We can create it as a law in economics. हम उस चीज को एक law create करके explain कर देते हैं. जैसे there is law of demand, law of supply, law of variable proportions. वैसे ही एक law of diminishing marginal utility हमें यहाँ पे समझना है. क्योंकि marginal utility कम होती जाती है ना, तो इसका एक हमने law बना लिया कि हाँ भाई, आप जैसे जैसे consumption बढ़ाओगे वो marginal utility कम होती जाएगी. पक्की बात है, हमेशा होगी. क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? ये लॉ ये बोलता है कि भाई जैसे जैसे तुम कंज्यूम करोगे गुड्स को, पहली बात तो उनका कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए. अगर आप किसी भी कमोडिटी को कंटिन्यूसली कंज्यूम करोगे तो उसकी हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी. हाँ, लेकिन जो यूनिट्स हैं वो स्टैंडर्ड होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए. ऐसा नहीं कि आपकी फर्स्ट यूनिट तो बहुत छोटी है, सेकेंड यूनिट बड़ी है. तो ऐसे केस में तो हमको क्या देखने को मिल सकता है कि भाई फर्स्ट में तो यूटिलिटी कम मिल रही थी और सेकंड में ज्यादा मिल रही थी, क्योंकि इन दोनों का साइज में वेरिएशन है. इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, अगर आप कम क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो और ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो तो ज्यादा वाले में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा. राइट. इसीलिए अगर हम ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को देखना चाहते हैं तो ये हमें तभी दिखेगा जब हमारी यूनिट स्टैंडर्ड हो, यूनिफॉर्म हो, एक जैसी हो. दूसरा, एक कंजम्पशन आज, एक कंजम्पशन कल, एक कंजम्पशन उसके बाद, ऐसे नहीं चलेगा. आप कंजम्पशन करें ना तो कंटिन्यूअसली कंज्यूम करिए. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, अगर आप एक कंजम्पशन आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, मतलब बड़ा बड़ा गैप दे रहे हैं, कंटिन्यूअस कंजम्पशन नहीं है, तो आपकी जो डिजायर्स हैं, वांट्स हैं, उनको वापस से अराइज होने का टाइम मिल जाएगा. और उस केस में जो भी आप कंजम्पशन करेंगे उससे आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन ही मिलने वाला है. आप समझ के देखना भाई, आपने एक चॉकलेट खाई कब? फर्स्ट डे. और दूसरी चॉकलेट दूसरे दिन खाई, और तीसरी चॉकलेट तीसरे दिन खाई, तो तीनों चॉकलेट्स में आपको मैक्सिमम 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 सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा. क्यों? क्योंकि आपने एक दिन के बाद जो दूसरे दिन का गैप दिया ना, इसकी वजह से आपकी वांट को अराइज होने का टाइम मिल गया, और इस वजह से आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी देखने को नहीं मिलेगा. सो फॉर दिस लॉ टू बी एप्लीकेबल दे आर टू थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट. पहली तो कंटिन्यूस कंजम्पशन हो, और दूसरी कंजम्पशन हो स्टैंडर्ड यूनिट्स का. मैं आपको ये लॉ एक्सप्लेन करके बताता हूं. दिस लॉ स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, ये एक मैजिकल वर्ड है जो हमें याद रखना है. स्टैंडर्ड यूनिट्स मतलब एक जैसी यूनिट्स, मतलब ऐसी यूनिट्स होनी चाहिए. ये स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं है. विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, हर चीज में वो एक जैसी हो. दिस लॉ स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड. कंटिन्यूअस कंजम्पशन बहुत जरूरी है. तो अगला मैजिकल फ्रेज क्या हो गया? कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड. पहला फ्रेज स्टैंडर्ड यूनिट्स, दूसरा फ्रेज कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड. ये दो याद रहेंगे तो आपकी डेफिनेशन एकदम सही बनती नजर आएगी. फिर से देखते हैं ये लॉ क्या बोलता है. दिस लॉ स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, एक जैसे यूनिट्स, आर This is not continuous consumption. Are continuously consumed. एक ही दिन में, या मैं बोलूंगा एक ही टाइम फ्रेम में, आप एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक फिनिश हुआ और आपने दूसरे का consumption चालू कर दिया, तो जाकर के आपको ऐसा देखने को मिलेगा. Are continuously consumed over a period of time.
over a period of time, the marginal यूनिटी, भाई क्या चीज के बारे में लॉ है? मार्जिनल यूनिटी के बारे में. तो क्या चीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है? मार्जिनल यूनिटी पे. द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच एडिशनल यूनिट, हर एक जो एडिशनल सक्सेसिव यूनिट होगी, विल डिक्लाइन. उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करेगी. आप फिर से समझना, लॉ किसके बारे में? मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में. लॉ का नाम ही क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या करने वाली है? डिक्लाइन या डिमिनिश करने वाली है, कम होने वाली है. इतना तो हमें यहां से ध्यान आएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी हमें एंड में बताना है कि वो डिक्लाइन करेगी. और मार्जिनल यूटिलिटी का मार्जिनल वर्ड का मतलब ही होता है एडिशनल, आई हैव टोल्ड यू. तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब किस चीज की यूटिलिटी होगी? वो एडिशनल कंजम्पशन की यूटिलिटी होगी. तो कुल मिलाकर के ये दो फ्रेज अगर याद है तो आप इस पूरे लॉ को फ्रेम कर सकते हो. फिर से समझना, दिस लॉ स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स आर कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड, द एमयू विल डिक्लाइन. किसका एमयू? एडिशनल कंजम्पशन का. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच एडिशनल यूनिट विल डिक्लाइन. ठीक है, हर एडिशनल कंजम्पशन का मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा, ये लॉ बोलता है. इस लॉ में हमने कुछ अजम्पशंस लिए. हमने अजम्पशन पहला लिया क्या, कि यूनिट्स कैसी हैं? स्टैंडर्ड है. स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट, स्मेल, कलर, एवरीथिंग, वो एक जैसी है. दूसरा, कंजम्पशन इज कंटिन्यूअस. तीसरा, मैंने बोला कि ये जो जो गुड्स है ना, ये ऐसे होने चाहिए जिनको आप अकेले कंज्यूम कर लो, ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो. कंजम्पशन इज इनडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कमोडिटी. जैसे मैं बोलूं कि भाई इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में हम चपाती के साथ, रोटी के साथ सब्जी खाते हैं, तो रोटी का कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सब्जी के ऊपर. वैसा नहीं है, ये अजम्पशन लेना पड़ेगा. अदरवाइज रोटी की जो यूनिटी है वो सब्जी के ऊपर डिपेंड कर जाएगी. सब्जी कैसी बनी है या सब्जी में क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, उसके हिसाब से रोटी के कंजम्पशन के ऊपर भी इफेक्ट आएगा. तो हम ये मान के चल रहे हैं हम ऐसी चीज खा रहे हैं जो स्टैंड अलोन है. जैसे आप आइसक्रीम खा रहे हो, उसका किसी और चीज से लेना नहीं है, या आप चॉकलेट खा रहे हो, तो उसका कंजम्पशन इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कमोडिटी फॉर द टाइम बीइंग, ये हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं. सो ये सब हमारे कुछ अजम्पशंस हैं, ये मेजर मेजर अजम्पशंस हैं. अजम्पशंस तो बहुत हो सकते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंटेशन में, लेकिन हम ये फिलहाल मेजर मेजर अजम्पशंस मैंने आपके लिए लिख दिए. सो दिस इज योर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, जितनी बार रिपीट करोगे उतना अच्छा याद होगा, और याद करना बहुत जरूरी है. राइट, दिस लॉ स्टेट्स एज स्टेट दैट एज मोर एंड मोर ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच एडिशनल कंजम्पशन गोज ऑन डिमिनिशिंग. ओके, goes on diminishing या will decline, जैसा भी आप लिखना चाहें. You can phrase out the words according to yourself, लेकिन जो core words हैं वो हमेशा होने चाहिए आपके definition में. Assumption क्या है? Standard consumption है, consumption continuous है, और consumption किसी और चीज पे depend नहीं करता. These are our three assumptions. एक बात आपको बताने के लिए यहाँ पे जरूरी है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी marginal utility intake करते करते बढ़ने लगती है या constant रहती है. जैसे मैं बोलूँ money, आपको मैं 1000 रुपए दूँ, 1000 रुपए और दूं, 1000 रुपए और दूं, 1000 रुपए और दूं, तो अगले वाले 1000 का वैल्यू आपके लिए या सेटिस्फेक्शन आपके लिए कम नहीं होगा. ज्वेलरी, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, ऐसी सारी चीजें आपको मिलती जाए तो आपका हर एडिशनल यूनिट से उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जरूरी नहीं है कम ही हो, बढ़ भी सकता है, सेम भी रह सकता है. जैसे एल्कोहल,
मैं तो कंज्यूम नहीं करता, लेकिन जो लोग कंज्यूम करते हैं उनको पता होगा कि भाई जब फर्स्ट आप यूनिट उसका कंज्यूम करेंगे, फर्स्ट शॉट लगाएंगे, उस टाइम आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड शॉट। सेकेंड शॉट में आपको बेटर फील होगा, थर्ड में और अच्छा फील होगा। जितना ज्यादा आप कंज्यूम करते जाएंगे आपको उतना ज्यादा अच्छा फील होने लग जाएगा। मतलब सब्सिक्वेंट यूनिट्स की यूटिलिटी ज्यादा है और इनिशियल यूनिट्स की यूटिलिटी कम है। ड्रग्स, जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनमें से किसी से बात करेगा, वो जितनी बार भी ड्रग्स लेंगे उनको सेम यूनिटी मिलेगी। और तो और एक स्टेज के बाद उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अगर ड्रग्स ना ले तो उनको बेकार लगता है। तो ड्रग्स लेने से ही उनकी लाइफ लाइफ है, अदरवाइज उनको लगता है लाइफ इज हेल, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्सेप्शंस टू दिस लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने आपको बताया था लॉ ऐसा होता है जो जनरली सब चीजों पर अप्लाई करे, कुछ चीजों को हम जरूर से छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। दोज आर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। और हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल, तो आप लिख सकते हो इन केस ऑफ नेसेसिटीज, यू कैन राइट इन केस ऑफ मनी, इन केस ऑफ वैल्यूएबल्स, इन केस ऑफ एल्कोहल, ड्रग एटसेट्रा। ओके, सो प्लीज राइट इट डाउन। सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी के बाद हमने देख लिया कि उसको मेजर करने की कौन सी अप्रोचेज हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में हम टी यू एम यू ये समझते हैं क्या होता है। इसके बाद हमने ये भी देखा इनका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे होगा। फिर अब हमने इसका रिलेशनशिप भी देख लिया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू विच कैन बी फॉर्म्ड एज अ क्वेश्चन फॉर यू। अब हमें नेक्स्ट साइड बढ़ना चाहिए। जो हमारा अल्टीमेट गोल था इस चैप्टर को पढ़ने का वो था कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम फाइंड करना। सो व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, मैं फिर से बताता हूं आपको। इट इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर गेट्स व्हाट? कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। जो भी उसकी इनकम है उस इनकम से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है ना, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है सर, तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम समझ में आता है, लेकिन इसको निकाले कैसे? पहले ये समझिए कि आप किसी एक कमोडिटी को ले लीजिए और उसके लिए इक्विलिब्रियम निकालने की कोशिश करिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं चॉकलेट। तो आपने चॉकलेट का इंटेक किया, आपने चॉकलेट खाई, कंजम्पशन किया, और अब आप ये देखना चाहते हैं कितनी चॉकलेट्स खाने के बाद आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा। कुल मिलाकर के मैं बोलता हूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अगर अपन को समझना है ना, तो हमें दो तरह से समझना पड़ेगा। कौन सा दो तरह? फर्स्ट हमें समझना पड़ेगा किसी एक चीज के लिए, और फिर हम समझेंगे मल्टीपल कमोडिटीज के लिए। तो फर्स्ट हो गया इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी मतलब जो आप कंज्यूम कर रहे हो किसी एक ही चीज को, एक ही कमोडिटी को। जैसे चॉकलेट का कंजम्पशन कर रहे हो तो चॉकलेट में कब आप बेस्ट सिचुएशन पहुंच जाओगे वो अगर जज कर लेंगे तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि इक्विलिब्रियम एक चीज के लिए कैसे मिलता है। और जब ये आइडिया लग जाएगा कि किसी एक चीज के लिए कैसे मिलता है तो हम क्या करेंगे, हम सारी चीजों के लिए भी देख लेंगे। मतलब हम देख पाएंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ मल्टीपल कमोडिटीज। मल्टीपल कमोडिटीज, मल्टीपल कमोडिटीज बोलूं या टू बोलूं या थ्री बोलूं, एक ही बात है। तो कभी अगर इसको टू कमोडिटीज के लिए पूछें तो भी यही बताएंगे, तो मैं टू कमोडिटीज भी लिख देता हूं। तो दो कमोडिटी हो तो क्या करना है, सिंगल कमोडिटी है तो क्या करना है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। पहले आप ये समझिए, एक एक्सपेरिमेंट का एक माइंडसेट बनाइए कि हम कंजम्पशन कर रहे हैं चॉकलेट्स का, और चॉकलेट से कंजम्पशन में पहली यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरी करेंगे थोड़ा उससे कम मिलेगा, तीसरी करेंगे थोड़ा और कम मिलेगा, राइट? तो इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हमें अचीव होता है जब
हमारा MUX, MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग मींस एक्स, मैंने एक्स वेरिएबल से किसी भी कमोडिटी को डिपिक्ट करने की कोशिश करी है, समझना। जैसे चॉकलेट की मार्जिनल यूटिलिटी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट की जगह कुछ और होता, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पिज्जा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मार्कर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बुक्स, कुछ भी हो सकता है। MUX इक्वल्स टू, MUX को मैं अगर डिवाइड करूं PX से, PX मतलब प्राइस ऑफ X, जिसे किताब बुक से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, इसको डिवाइड करो किससे, बुक से, बुक के जो प्राइस पे किया था उससे, तो ये इक्वल टू अगर MUM हो जाए तो जाकर के कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है। थोड़ा पेशेंस रखिए। MUM का मतलब क्या होता है सर? MUM का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है मनी की वर्थ। फिर से समझना, एक कंज्यूमर के लिए पैसा खर्च करना एक मुश्किल टास्क है, ऑब्वियसली बात है, पैसा सब बचा के रखता है, तो जो वो पैसा खर्च कर रहा होता है ना, उसके मन में एक एंटिसिपेशन आता है कि मैं इस पैसे से इतनी यूटिलिटी चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने खरीदा बुक, बुक खरीदने के लिए यू हैव पेड 1000 रुपीज, वो 1000 रुपीज देकर के आपके मन में आ रहा है कि मेरे को इससे एटलीस्ट 2000 रुपीज का सेटिस्फेक्शन मिले। 1000 रुपीज देकर के 2000 का सेटिस्फेक्शन कैसे मिलता है? मिल सकता है, मतलब आप सेटिस्फेक्शन को मनी की टर्म्स में मेजर करो ना, तो हो सकता है कि आपको उससे जो सेटिस्फेक्शन या फायदा मिल रहा है ना, वो उस पैसे से ज्यादा है जो आपने खर्च किया है। ऐसा होता है, बहुत सारी जगह होता है, इनफैक्ट अगर उससे ज्यादा नहीं होगा तो आप पैसा खर्च ही नहीं करेंगे। जैसे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आपके, आपने देखा कि आपके पास पेन नहीं है और आप पेन खरीदने जाओ किसी भी शॉप पे, तो आप मन में एक इच्छा लेके जाओगे, ये महंगा भी देगा ना तो भी मैं खरीद लूंगा, बिकॉज एग्जाम चल रहा है, मुझे को एग्जाम देने जाना है, राइट? सो जब आपने उस एग्जाम हॉल के बाहर वो सिचुएशन फेस करी कि यार मेरे को पेन चाहिए और वो पेन 5 रुपए का है, भले वो मेरे को कोई 50 में दे तो भी मैं दे दूंगा, तो वो 50 क्या हुआ? वो 50 आपकी एक तरह से यूटिलिटी हुई जो आपको उससे मिलने वाली है। गेटिंग अ पॉइंट? फिर से आते हैं इसी पॉइंट पे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को डिवाइड करो उसके प्राइस से, तो आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर। अगर ऐसा होता है तो ही इक्विलिब्रियम है। मतलब मैं इसको वर्ड्स में लिखने की कोशिश करता हूँ, फिर अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा एरिया है जो थोड़ा डिफिकल्टी वाला होगा। MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM, इसको मैं वर्ड्स में कैसे लिखूं? इसको वर्ड्स में लिखेंगे, कंज्यूमर अचीव्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी व्हेन हिज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ मनी इक्वल्स पर रुपी सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। सर जो आपने ये लिखा है इसका इससे कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, देखते हैं। मैं अंडरलाइन कर देता हूं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को। क्या आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नजर आ रहा है यहां कहीं? जी हाँ, फॉर्मूले में MUM जो है ना, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी? कंज्यूमर के लिए पैसे की वैल्यू, हर कंज्यूमर के लिए पैसे की वर्थ अलग अलग होती है। एक गरीब के लिए पैसे की वर्थ ज्यादा होती है, एक अमीर के लिए पैसे की वर्थ कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मेरा MUM 2 है, इसका मतलब मैं 1 रुपए की वैल्यू कितने के बराबर मानता हूं? 2 रुपए के बराबर। इस तरह का मेरा सिनेरियो, मतलब मैं गरीब हूं कहीं ना कहीं। मैं अगर ये बोलूं कि आपके लिए MUM है वो 0.5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 10 रुपए होंगे तो उसको 5 रुपए की तरह ट्रीट करोगे, इस तरह से आप खर्चा करोगे। तो जो लोग ज्यादा अमीर होते हैं उनके लिए MUM कम होता है, और जो गरीब होते हैं उनके लिए MUM ज्यादा होता है। MUM इज वर्थ ऑफ मनी, मतलब आप
उस मनी से कितना पैसा वापस चाहते हैं, उसको खर्च करके कितना वैल्यू आप उससे डराइव करना चाहते हैं। तो गरीब के लिए ये वैल्यू ज्यादा होती है, ये एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है कि वो एक रुपया खर्च करे तो उसको उससे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिल जाए। इसी को MUM बोलते हैं। तो वॉट इज MUM में लिख देता हूं आपके लिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। या मैं जिसको बोलू MUM, क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ या वर्थ ऑफ मनी फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए पैसे की वैल्यू को हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बोलते हैं। डिफर्स फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये बात सही है। रिच के लिए ये MUM कम होगा, पुअर के लिए ज्यादा होगा। इट डिफर्स फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर ये अलग अलग होता है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। सर एक और चीज बताइए, हम इसको अगर कंज्यूमर टू कंज्यूमर अलग अलग होता है तो क्या सेम कंज्यूमर के लिए भी चेंज हो जाता है? हाँ हो जाता है। मान के चलो मैं आज गरीब हूं तो मेरे लिए MUM ज्यादा है, 2 या 3 रुपीज है, मतलब 1 रुपए के अंदर मैं चाहता हूं कि 2 रुपए या 3 रुपए की वैल्यू मेरे को मिल जाए। लेकिन मैं अगर अमीर हो गया इसी एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान, मेरे पास खूब सारा पैसा आ गया, तो मैं क्या करूंगा, मेरा मार्जिनिटी ऑफ मनी 1 का 1 या 1 से भी कम हो जाएगा। कहने का मतलब मेरी वर्थ फॉर मनी घट जाएगी अगर मेरे पास ज्यादा मनी होगा तो। पर हमें क्या अज्यूम करना है फिलहाल, ये हमारा एक्सपेरिमेंटेशन है इसके दौरान, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वो चेंज नहीं होता। मतलब एक इंसान के लिए जो सिलेक्ट किया है ना वो वैसा ही रहने वाला है। इट इज अज्यूम दैट MUM remains constant, marginal utility of money को हम मान के चलते हैं कि वो constant है। फिर से समझना, अगर marginal utility of money किसके बराबर हो जाए, MUX, MUX मतलब marginal utility of जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, divided by PX मतलब price of जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो। सर आपने है ना चॉकलेट खरीदी है 20 रुपीज की, ₹20 इज वॉट, ये हो गया आपका PX। और सर आपको उससे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना वो है 40 यूटिल्स का, ये क्या हो गया सर, MUX। तो सर MUX अपॉन PX क्या आएगा, सर ये 2 आ रहा है, कैसे, 40 डिवाइड बाय 20, पूरा सॉल्व करता हूं आपके, 40 डिवाइड बाय 20 मतलब 2। सर ये जो MUX अपॉन PX की वैल्यू 2 आई है, क्या ये आपकी MUM के बराबर है? हमें देखना पड़ेगा, जो भी सिचुएशन गिवन उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो अगर सिचुएशन ये दे रखी है कि MUM की वैल्यू 2 है तो मैं बोलूंगा कि MUX अपॉन PX की वैल्यू भी 2 आ रही है, तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे हैं। ये हो क्या रहा है, इसको जस्टिफाई कैसे करें? जस्टिफाई करने के लिए आप इस एग्जाम्पल को देखिए, जहां पर मैं लेता हूं यूनिट्स और हमारा यूजुअल MUX मतलब मार्जिन यूनिटी। मैं वही पुराना टेबल लेता हूं जो आपको मैंने बताया हुआ है, 0-1-10-2-8-3-6-4-4-5-2-6-0 and 7 में था -2, कह रहा हम इतना आगे तक नहीं जाएंगे। ये हमारा MUX है फिलहाल के लिए, मान के चलो इस एग्जाम्पल के लिए कि MUM है आपका 1, 2 ले देते हैं, चलो कुछ और नंबर रहेगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और आपका PX मतलब प्राइस ऑफ X है 2। क्या मतलब सर, मतलब ये कि आप एक यूनिट जो यहाँ पे जो भी बार बार खरीद रहे हो ना, पहली यूनिट खरीदने के लिए 2 रुपए दिए, दूसरी यूनिट खरीदी फिर से 2 रुपए दिए, तीसरी यूनिट खरीदी फिर से 2 रुपए दिए, मतलब प्राइस क्या है, 2 रुपीज। ठीक है सर, अगर प्राइस पता पड़ गया, MUX हमारे सामने है, क्या हम MUX अपॉन PX निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, यहां तो डैश ही आएगा, MUX की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर मैं कैसे लिखूं?
सर जब यूनिट वन है, मतलब आपने वन यूनिट कंज्यूम करी खरीदी तो एमयू तो मिला 10, लेकिन खर्चा कितना किया? 2। 10 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा एमयू सेवन पी एक्स, वो आता है 5। ऐसा क्यों करा सर? हमें चाहिए 1 रुपए में कितना तुमको यूनिटी मिला, तो 2 रुपए में 10 मिला, 2 रुपीज का खर्चा करके 10 मिला। भाई पहली यूनिट खरीदी तो 2 रुपीज का खर्चा किया ना, 2 रुपीज खर्चा करके कितना यूनिटी मिला, 10 मिला। तो पहला 2 रुपए का सिक्का देते टाइम आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 10। पर रुपी कितना मिल गया? 5। यही तो यहां लिखा था, क्या लिखा था? इक्वल्स पर रुपी सेटिस्फेक्शन। मतलब ये पर रुपी सेटिस्फेक्शन जो वर्ड है ना, इसका क्या मतलब हुआ सर? इस पर रुपी सेटिस्फेक्शन जो ये फ्रेज है, इसका मतलब हुआ MUX upon PX, nothing else. अब डेफिनेशन धीरे धीरे सेंस करेगी, पहले एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट 10, सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी, फिर से 2 रुपए और दिए, इस बार फिर से सेटिस्फेक्शन आया, लेकिन आया 8 का, पहले 10 का आया था, अब कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन जुड़ी। ठीक है सर, कम हो गया, 8 आया। सेकेंड यूनिट खरीदते टाइम 8 का सेटिस्फेक्शन मिला तो पर रुपी कितना मिला? वही सेम 8/2। मन में ऐसा तो नहीं आ रहा इसको 4 से डिवाइड करना चाहिए? 4 से बिल्कुल डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं हर एक यूनिट का अलग अलग निकाल रहा हूं। ये 2 का मतलब 2 यूनिट्स नहीं है, ये सेकेंड यूनिट है, दूसरी यूनिट। दूसरी यूनिट के लिए अलग से पैसे दोगे ना, और फिर से 2 रुपए, पहली यूनिट का गेम ओवर हो गया। आपने 1-2 रुपए दिए और 10 का सेटिस्फेक्शन ले लिया तो आप तो बहुत खुश हो, क्योंकि आप 2 रुपए में मैक्स टू मैक्स कितना चाहते? 4 का सेटिस्फेक्शन। कैसे पता पड़ रहा है? आपके 1 रुपए की वैल्यू 2 है, MUM कितना है? 2। वर्थ फॉर मनी फॉर यू इज 2। तो जब 1 रुपया खर्च करते हो तो लगता है कि 2 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, तो जब 2 रुपए खर्च करोगे तो क्या लगता है? 4 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। मिल कितना रहा है फर्स्ट केस में? 10 का, खुश हो, बिल्कुल खुश हो। सेकंड केस में फिर से 2 रुपए खर्च किए, लगता है मिलना चाहिए सेटिस्फेक्शन 4 का, मिल कितना रहा है? 8 का। खैर 8/2 करेंगे तो कितना आएगा MUX upon PX, कितना आएगा? 4। अगली बार फिर से MUX 6/PX 2, 6/2 कितना आया? 3। अगली बार फिर से 4/2, 4 MUX, 2 PX, 4/2 कितना आया? 2। नेक्स्ट 2/2, 1, 0/2, एनी नंबर, 0 को अगर अपन किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। -2/2 क्या आएगा? -2/2 करते ही हमारे पास आएगा -1। तो हमारे पास ये अलग अलग वैल्यूज आई हैं। इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए बताओ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां है? नहीं समझ में आ रहा सर? ठीक है, फिर से देखो, यूनिट्स MUX, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रोवाइडेड है। MUX upon PX निकाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं, PX गिवन था, हमने MU को डिवाइड कर दिया, हर एक को 2 से डिवाइड कर दिया, तो 10/2 5 आ गया, 8/2 4 आ गया, 6/2 3 आ गया, 4/2 2 आ गया, 2/2 1 आ गया, 0/2 0, और -2/2 -1 आ गया। ये सारी वैल्यूज भी समझ में आ गई, लेकिन अब ये देखना नहीं आ रहा कि इन सब में से कौन सा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिचुएशन। आप समझना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिचुएशन किसी एक लेवल पे जाके आएगा, एक सर्टेन लेवल पे जाके आएगा कि इतने यूनिट कंज्यूम करी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। वो कौन सा लेवल है ये पता करना है। सर हमने क्यों पढ़ा था ये फॉर्मूला? अगर हमें अप्लाई नहीं करना तो अप्लाई करिए ना। MUX upon PX की वैल्यू आ गई है, देखो कहां पे ये MUM के बराबर है। क्या फर्स्ट सिचुएशन में आपको ऐसा दिख रहा है कि MUX upon PX MUM के बराबर है? मैं तो बोलता हूं फर्स्ट सिचुएशन में क्या दिखता है कि MUX upon PX जो हमने निकाला है ना, ये MUM से ज्यादा है कि नहीं है? यहां वैल्यू 5, MUM कितना है? 2। 5 इज मोर देन 2। MUX upon PX is more than MUM. Next level पे, second level पर भी
एमयू एक्स अपॉन पी एक्स ज्यादा है एमयूएम से, क्यों भाई? हमारा एमयूएम तो 2 है, यहां आ रहा है 4, 4 इज ग्रेटर देन 2, यस। मतलब जब तक आपको ज्यादा ज्यादा मिलता जाए तब तक तो आप कंजम्पशन करते रहो ना, तब रुकने का कोई मतलब नहीं है। आप शुरुआत में 2 रुपए खर्च करके 10 रुपए का 10 रुपीज का सेटिस्फेक्शन रिसीव कर रहे हो, अच्छी डील है ना। यहां पे आप नहीं रुकोगे, यहां पे आप नहीं रुकोगे, आप जानते हो कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपना कंजम्पशन बढ़ाओगे आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, लेकिन अभी भी आप जो पैसा खर्च कर रहे हो उससे ज्यादा है। अगली बार एमयूएक्स अपॉन पीएक्स क्या अब भी एमयूएम से ज्यादा है? हाँ है, बिल्कुल है सर। क्यों है एमयूएम से ज्यादा? क्योंकि 3 यूटिल्स आपको पर रुपए मिल रहे हैं और आप 1 रुपए में एक्सपेक्ट कितने कर रहे हो? 2। यहां पर सर, यहां पर एमयूएक्स अपॉन पीएक्स ये बराबर हो गया किसके? एमयूएम के। मैं यही तो ढूंढ रहा था, मैं यही तो कंजम्पशन का लेवल ढूंढ रहा था जहां पर एमयूएक्स अपॉन पीएक्स एमयूएम के बराबर हो जाए, यही तो मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, एंड व्हाई कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, बिकॉज इससे पहले के कंजम्पशन में सब में उसको ज्यादा ज्यादा मिलता आया, अब उसको जितना उसने पैसा दिया है उतना भी मिल गया और यही उसके लिए बेस्ट सिचुएशन होगी। 4th यूनिट के बाद 5th यूनिट उसको खानी नहीं है, कंज्यूम नहीं करनी, क्योंकि 5th यूनिट कंज्यूम करेगा तो पता है क्या सिचुएशन हो रही है कि एमयूएक्स अपॉन पीएक्स कम हो गया है एमयूएम से, आप पैसे में जितना चाहते हो ना उससे कम आपको मिल रहा है। आप 2 रुपए का सेटिस्फेक्शन चाहते हो, आपको मिल रहा है 1, तो आप यहां पे कंजम्पशन रोक दोगे, कंजम्पशन ये वाले लेवल पे नहीं करोगे। अगले वाले लेवल पे कैसे हो सकता है? वहां भी यही सिचुएशन, एमयूएक्स ऑन पीएक्स इज लेस देन एमयूएम, और लास्ट वाले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यहां भी एमयूएक्स ऑन पीएक्स इज लेस देन एमयूएम। कुल मिलाकर के सर सबसे अच्छी सिचुएशन कौन सी? जहां पे अपना एमयूएक्स ऑन पीएक्स इज इक्वल टू एमयूएम, बिकॉज यहां तक आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा। आपको यहां 10, 8, 6 और 4 का सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा है ना, ये पैसे की वैल्यू से ज्यादा मिल रहा है और ये मैक्सिमम मैक्सिमाइज हो जाएगा कहां पर? 4th यूनिट पर। दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ सर, आ गई। सर इस फॉर्मूले का एक ऑल्टरनेटिव भी तो लिख सकते हैं क्या? इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं इधर से उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं या इधर से उधर ले जाऊं? कैन आई राइट लाइक MUX अपॉन MUM, ये हो जाए PX के बराबर, तो भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। हाँ, मैं MUM को नीचे ले आया, PX को उधर ले गया, दोनों एक ही बात है, ये दोनों ही एक ही बात है सर। और इसका थोड़ा सा और मैं रूपांतरण कर दूं, सो दिस कैन बी MUX इक्वल्स टू PX इनटू MUM, PX इनटू MUM, ऐसा भी हो जाएगा क्या? हाँ, ये भी तो सेम ही बात है, PX को MUM में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सारे अलग अलग तरीके इसको एक्सप्रेस करने के हैं, एंड वी आर एक्सप्रेसिंग द सेम फॉर्मूला, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। तो फिर से एक बार डेफिनेशन देखते हैं, कंज्यूमर अचीव्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी व्हेन हिज मार्जिनल यूनिटी ऑफ मनी मतलब MUM इक्वल्स पर रुपी सेटिस्फेक्शन मतलब MUX अपॉन PX Derived from consumption of a commodity. UM को हम क्या मानते हैं? कि वो constant है। तो consumer equilibrium in case of single commodity कब होगा? जो आपको उसी commodity से जो per rupee satisfaction मिल रहा है ना, वो आपके expectation के बराबर हो जाए। Because जब तक expectation ज़्यादा मिल रहा है, तब तो अच्छी situation है। जैसे ही expectation के बराबर हो गया, तो समझ जाओ कि अगली unit consume नहीं करनी, क्योंकि अगली unit में तुम्हें मिलने वाला MU और कम हो जाएगा। Getting my point? इस तरह से कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज कर लेता है, वो ये डिसाइड कर लेता है कि इस पॉइंट के बियॉन्ड मेरे को नहीं जाना। सो आई कैन कंक्लूड दैट एज लॉन्ग एज MUX अपॉन PX इज मोर देन MUM, कंज्यूमर्स कंटिन्यूज हिज कंजम्पशन। व्हेन MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, कंज्यूमर स्टॉप्स हिज कंजम्पशन, बिकॉज दैट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इफ MUX अपॉन PX इज लेस देन MUM, दैट इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर शुड नॉट कंज्यूम। That is a situation where consumer should not consume. वहां पे consumption उसको
रखना ही नहीं चाहिए, तो 5, 6 और 7 यूनिट्स तक तो जाना ही नहीं है कंज्यूमर को। आई होप ये सारी सिचुएशन आपको समझ में आ गई। अब इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि ये सब अभी तक हमने किसका पढ़ा है, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी पढ़ा है, इन केस ऑफ टू कमोडिटीज या मल्टीपल कमोडिटीज तो अभी अपन को पढ़ना बाकी है, इसको बाद में देखेंगे। ये सब ऑल ऑफ दिस बिलोंग्स टू इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी।